इटालियन हो गए हो आप, वो प्रभाव डालता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, नेशनैलिटी। हम इंडियन हैं और अगर कोई हमारे सामने ऑस्ट्रेलियन हो या अमेरिकन हो तो उसकी और हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंस होगी क्योंकि नेशनैलिटी डिफरेंट। एनवायरमेंट, हमारे आस पास हमारे फॉर एग्जाम्पल घर का एनवायरमेंट हॉस्टाइल है तो हम डिफरेंट होंगे, फ्रेंडली है तो हम डिफरेंट होंगे। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, हमारे माँ बाप किस तरह से हमें ट्रीट करते हैं या किस पर्सनैलिटी के, उसका फर्क मालूम पड़ता है। और इन्फ्लुएंस पड़ता है टीचर्स का, पीयर्स यानी हमारे साथियों का, और मेंटर्स, मेंटर्स का मतलब है जिनसे आप सीखते हो, गुरु उनका, हमारी पर्सनैलिटी का फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अंदर का रॉक चेंज नहीं होता। ये सब कुछ होने के बाद भी जो अंदर है वो कहीं ना कहीं वो ही रहता है। That's what we want to tell, and that's our temperament. ये इतना कुछ लेक्चर देने का मतलब ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके टेम्परमेंट है क्या, सुनने का आप भूलोगे नहीं भी। अच्छा होता क्या है, एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया जिंदगी में कभी नहीं भूलोगा उसको, क्योंकि हम बोलते हैं माइंड एक बार एक्सपेक्ट हो जाता है तो वापस नहीं आता है। Now you understand one thing, मैं जो हूं वो मेरा टेम्परमेंट है और जो मैं दिखाता हूं बिल्कुल सही है। एंड हमें एक चीज और पता है कि टेम्परमेंट आर मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनैलिटी, बिकॉज टेम्परमेंट ज्यादा है पर्सनैलिटी एज। नाउ अब के बाद जितने भी हमारे सेशन पांच सेशन बचे हुए हैं उसके अंदर जब भी रेफर करेंगे तो हम पर्सनैलिटी की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे आउटरली, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है पर्सनैलिटी नहीं आप पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करेंगे टेम्परमेंट की तो हम ये बात करेंगे रॉक जो हमारे अंदर है या हमारे अंदर है उसमें। ओके, हर दिन हम सुबह उठते हैं, शीशे में अपने आप को देखते हैं, ड्रेसअप होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और अपने टेम्परमेंट को अपनी पर्सनैलिटी से ढक के बाहर आ जाते हैं, राइट। ये हर सुबह हम करते हैं ना, लेकिन ये हमें याद रखने की जरूरत है कि मेरा टेम्परमेंट इज रियल मी, माय रियल स्टोन, माय पर्सनैलिटी इज द ड्रेस आई पुट ओवर इट। ये हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक याद रखेंगे तब तक हम अंदर से काम कर पाएंगे बाहर से। मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज वेरी प्रोफाउंड ह्यूमनली स्पीकिंग, यानी कि अगर हम ह्यूमन तरीके से बात करें, देयर इज नो अदर इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स मोर पावरफुल देन आवर टेम्परमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परमेंट। इट इज सो पावरफुल क्योंकि हमारे आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस की तरह काम करता है। अब बिल्कुल आपके सामने अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगे तो आपको दुनिया वैसी दिखाई देगी जैसे आपकी आंखें कलर। इसीलिए हर जगह ये काम करते हैं, देखिए कहां कहां, सोने की आदतें, पढ़ने की आदतें, ड्राइविंग स्किल्स, खाने की आदतें, ऑर्डर कैसे लेते हो आप, लीडरशिप स्टाइल क्या है, फ्रेंडशिप्स कहां होती है, पास्ट टाइम एक्टिविटीज क्या है, हैंडराइटिंग स्टाइल, सिचुएशन हैंडलिंग, मैनेजिंग सेल्फ, कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, सब पे इंपैक्ट है हमारे टेम्परमेंट का। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, उस चीज की जो हर चीज पे टांग लगेगा। दैट्स व्हाई इफ यू अंडरस्टैंड अवर टेम्परमेंट ये सारी चीजें हमारी इफेक्ट होती है बेटर।